सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन को आप कैसे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम में जाना होगा दोस्तों, और क्रोम में जाने के बाद यहाँ लाइफ स्टाइल लिखने के बाद आपको यहाँ पर jalafestyle.com खोल देना है, पहला वेबसाइट खोल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन साइन अप एंड लॉगिन का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम साइन अप करते हैं। तो साइन अप करते वक्त यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपको, हम अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो बना लीजिए, और नहीं और बना हुआ है तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। जैसा कि यूजर नेम और पासवर्ड डालकर हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद आपको इस पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आया, इस पर आपको क्लिक कर देना है, रीड द मैसेज पर क्लिक कर देना है। रीड द मैसेज पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर देखिए बहुत से दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देना है, यह रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपका यूजर नेम जो भी है वहाँ पर दे देना है। देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हम अपना यूजर नेम जो भी है jalafestyle का यूजर नेम यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसा कि मेरा jalafestyle का यूजर नेम यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद दोस्तों, इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड उसका दे देना है, जो jalafestyle का आपका पासवर्ड है उसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको देखिए अगला इंटरफेस नज़र आएगा, जो आपका jalafestyle यह रजिस्ट्रेशन का कैसा होता है। ओके, तो कुछ समय वेट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर नाम आ गया फर्स्ट नेम, और आपका श्योर जो नाम दूसरा नाम होता है पक्का नाम होता है वो, और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आपका जो एज है, आपका कितने साल के है वो चूज कर लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आप क्या है, मेल है फीमेल है, तो जो आप है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है आपको, सिटी जो भी है आपका वो सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आई एम नॉट ए रॉबर्ट पर क्लिक कर देना है। आई एम नॉट ए रॉबर्ट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर या आप ईमेल पर कोई भी कम्युनिकेशन मंगाना चाहते हैं फ्रॉम रिया, यहाँ से कोई भी अपडेट आएगा तो आप ईमेल पर लेना चाहते हैं या नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो इसको टिक कर देना है। जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऑन कर दिए। उसके बाद रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सा पैकेज, दो तरीके से पैकेज दिया गया था, 10 यूरो का और यहाँ पर 0 यूरो का। जैसे कि मैं फ्री में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जीरो पर क्लिक करना हो, और जीरो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आपको कुछ वेट कर लेना है। यहाँ पर वेट कर लेने के बाद आपको टेल योर इंटरेस्ट, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, जैसे जो चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर चूज एटलीस्ट 25 कैटेगरी चूज करना है। जैसे कि मैं 25 कैटेगरी हाला जल्दी से चूज कर लेता हूँ दोस्तों, कोई भी एक 25 कैटेगरी हम चूज कर लेते हैं। ओके, जो यह कैटेगरी इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि आगे जो ऐड आएगा इसी प्रकार के ऐड आएगा, इसी कारण से यह चूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी यहाँ पर चूज कर लेते हैं, जो भी हो आपको यहाँ पर डाइटिंग फूड्स क्लॉथ मेकअप शूज डाइट फूड डाइटिंग जो भी है आपका यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद 25 चूज करने के बाद आपको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, 25 चूज कर लिए, उसके बाद यहाँ पर इंटर कर देना है। 25 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, उसके नहीं तो छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सा ऐड दिया गया है, तो ऐड का कैटेगरी चूज कर लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर आ जाना है। गो टू डैशबोर्ड पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अभी एड्स जो है शुरू नहीं हुआ है, तो इसी कारण से अभी योर कैचअप दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पर आने के बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो लगा सकते हैं दोस्तों।
जैसा कि कोई भी एनीथिंग, कोई भी एक फ़ोटो हम चूज कर लेते हैं, जैसा कि गुड मॉर्निंग या फ़ोटो है तो हम फ़ोटो को चूज कर लेते हैं और गैलरी पर लगा सकते हैं दोस्तों, अपना खुद का फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो गैलरी पर लगा सकते हैं, अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल अपडेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रेफरल लिंक दिया गया है, तो यहाँ से रेफरल लिंक दे करके आप स्पॉन्सर कर सकते हो दोस्तों, किसी को इससे इस लिंक के द्वारा जुड़वा सकते हो, तो आपके डाउनलोड में आएगा और आपको ज़्यादा कमाई भी होगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पर जान लेते हैं रजिस्टर्ड यूज़र, तो यहाँ देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन दिया गया। अगर आप कोई भी अपने लिंक से जुड़वाते हैं दोस्तों, यहाँ पर शो हो जाएगा जो आप कितने आदमी को जुड़वाए हैं, स्पॉन्सर किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पैकेज, पैकेज में दोस्तों बात कर देखिए, हमने 0% जीरो वाला किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला किया है, तो वहाँ पर एक पैकेज हट गया है। अगर आप कभी भविष्य में, ठीक है दोस्तों, 10 यूरो का आप करवाना चाहते हैं वेरीफिकेशन, तो उस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर पैसे पे करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों, पैसे पे करने के लिए कहा जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर पे कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 10.15 यूरो लगता है, आप यहाँ से कार्ड से पे कर सकते हैं जा कर के। जैसा कि मैं फ्री वाला किया हूँ तो फ्री में ही रहने देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आपको ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऐड शुरू हो जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर से जाना है डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर से ऐड दिखाया जाएगा, तो आप वहाँ से ऐड देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो जाकर कमेंट में बताइए, और कोई भी परेशानी हो तो हम हेल्प करने के लिए तैयार है, आप वहाँ से कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में।